हे गाइस, जय सियाराम, सत श्री अकाल, केम छो, मजा मा। सो वैसे मेरी मॉर्निंग ना इतना टाइम पहले हो चुकी है, तब तो चंद्रमा मा भी दिख रहा था और अंधेरा हुआ पड़ा था। बट मैं थोड़ा वेट कर रही थी, फ्रेश अप हुई, उसके बाद मैं इधर आई हूँ। तो थोड़ा वॉक कर लेते हैं। सोनिया मेरे ख्याल से सो रही है। रात को यहाँ बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा तो नहीं लग रही है मुझे, बट हुई है। और हम क्योंकि मैं सोई भी लेट थी, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, बारिश होने की वजह से लाइट चली गई थी। बिना बारिश के लाइट नहीं रहती है, बारिश होने पे तो जाएगी ऑब्वियसली। फिर हम थोड़ा लेट सोए थे तो उठे हैं, 5:05 पे उठी हूँ मैं। तो ऊपर वॉक कर लेते हैं भाई, वॉक नहीं छोड़नी है, यही एक रीज़न है फिटनेस का। हमारे यहाँ ना बारिश चुपके चुपके आती है और चुपके चुपके चली जाती है। रात को आती है, थोड़ी देर आती है और ख़त्म भी हो जाती है। अभी पता नहीं है, मौसम तो थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, हवा चल रही है, पर कितनी देर चलेगी, कैसा मौसम रहेगा। और पता है दोपहर में गर्मी हो जाती है, तो भगवान जी प्लीज़ आज मत करना, एक दिन ऐसा ठंडा वाला निकाल दो, ऐसा लगे हाँ सुकून है। क्योंकि लाइट तो देते नहीं हो, तो यही दे दो प्लीज़, सारा दिन यही लटके रहेंगे छत पे। ये सब्जी की दुकान मैंने इतनी बार दिखा दिया ना कि इसकी अच्छी खासी प्रमोशन हो गई है, तो मैं भी जा रही हूँ सब्जी ढूंढने के लिए। सबसे बेस्ट है मम्मी ढूंढ दें और ताज़ी सब्जी मिलती है, सबसे अच्छा और हेल्दी फूड मिलता है। तो मैंने भी लौकी की सब्जी बनाई, मम्मी की फेवरेट है, साथ में बन रही है चाय। कल रात को बारिश हुई है, लुक एट मी, आई एम लिटरली फुल ऑफ स्वेट। यहाँ मेरे आमपट में पूरी बैग ऐसे पसीना टप 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 बह रहा है। मम्मा पापा को खाना खिला दिया था, तो बारी आई थी मेरी। मैंने बनाया था पोहा, मैंने इसमें इतना ज्यादा अनियन डाला, मुझे अनियन बहुत ज्यादा पसंद है। ये अनग्गे का खाना है। खाना बना लिया मैंने अपने लिए, पोहा बनाया है, आपको खाना है तो आ जाओ। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आप यही सब क्यों खाते हो और चपाती खाया करो। कुछ लोग यूज्ड टू भी होते हैं चपाती खाने के, क्योंकि कई घरों में ऐसा ही होता है। हमारे भी शादी से पहले तो मैं सिर्फ चपाती ही खाती थी सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। हमारे यहाँ परौंठियाँ वरौंठियाँ नहीं मिलती, जबकि पंजाब में परौंठी बहुत ज़्यादा फेमस है। कहते हैं सवेरे परौंठे नहीं खाते थे फिर मतलब दिन की शुरुआत नहीं है, बट मैं चपाती वगैरह खाती थी। सो आप खा सकते हो, जो आपका नेचुरल डेली का फूड है उसको मत छोड़ो, बट थोड़ा खाओ, पोषण कम कर दो। उसके बाद ऑयलिंग कर देते हैं। मैंने कहा मम्मा मसाज कर दो, मम्मी मसाज करते हैं, हाँ मज़ा आ जाता है, धीरे धीरे से करते हैं। पर जो मेरी मम्मी थे ना, वो तो जोर जोर से थप्पड़ मारते थे, तो उन पर सच बताओ ना, उनके बताए हुए उनके तरीके, उनसे ना मेरे बाल इतने ज़्यादा बड़े थे, अब तो बिल्कुल छोटे से हो गए हैं। मुझे लगा था मैंने ना सिंपल पुराने कपड़े पहने हैं, तो ये क्या खुल गई, पुराने कपड़े पहने हैं तो अच्छा लगेगा, सारा दिन गर्मी नहीं लगेगी। पापा बोलते हैं कि आधार कार्ड में ना एरर आ गई है अनगे के, तो मुझे फिर बाजार जाना पड़ेगा, तो मुझे अभी फिर रेडी होना पड़ेगा। मुझे सबसे गंदा लगता है रेडी होना। हमारे यहाँ तो पता क्या करते थे, कभी नहीं रेडी होते थे, जो पजामा ट्राउजर पहना वही पहन के निकल जाते होते थे। यहाँ तो आपको हॉस्पिटल भी जाना है ना, तो तैयार होके जाना पड़ता, बड़ा अजीब लगता है यार। बस के हाथ ना दीदी ने सूट भेजा सिल्क के, तो ये रिलैक्स फील हो रहा है, ये भी बड़ा सॉफ्ट है। मैंने घर पहनने के लिए खरीदे थे, मतलब कपड़ा पजामा ट्राउजर एक ही है और 2 कुर्ते खरीदे थे। अगर अच्छे हुए तो मैं और लेके आऊँगी। थकी हुई थी मैं, सोचती तो सोऊंगी आगे, तो अनगे बोल रहा है कि मुझे पिज्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा उसको बार बार देना अच्छी बात नहीं है, तो मैं वही जुगाड़ करती हूँ। ये रहा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, और ये मैं मोज़रेला चीज़ लेके आई थी, तो इसका पिज़्ज़ा बनाऊँगी, वो ब्रेड पिज़्ज़ा। बट वहाँ तो ओवन था, यहाँ नहीं है, तो जुगाड़ करूँगी, देखते कैसे बनता है। तो ये देखो मेरा जुगाड़, मैंने क्या किया, देखो ये अवन मेरा देसी अवन बना दिया चमचों के ऊपर, और ब्रेड ना सच बता रही हूँ बिल्कुल नहीं जला, हल्का सा जला है, मैं वो भी दिखा दूँगी आगे जाके कितना जला है। पहले इसको टेस्ट करा लेते हैं कि इसको पसंद आता है नहीं। मैंने बोला कि बेटा चीज़ है, बहुत गर्म है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, नहीं तो मुँह जल जाएगा। तो फिर इसने खाया, टेस्ट किया, तो बोलता है कि मम्मा बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाइस मैंने सर धो लिया, हाय बहुत गर्मी है अब, स्पेशली ना जब ऑयल लगाते हो ना उसके बाद ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने ना अपना ओट मील बनाया था, ये देखो, इसका ना मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी, आप देख लीजिएगा, बहुत लोगों ने मैसेज किया था। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी ऐड करती हूँ, बट आज सिंपल है, मैक्सिमम टाइम मैं सिंपल खाती हूँ क्योंकि मुझे सिंपल ज़्यादा पसंद है। सो नट्स वगैरह भी डाले हैं मैंने, जो जो डाला है मैं पूरा शॉर्ट डाल दूंगी, आप देख लेना। अभी मैं खा लेती हूँ इसको।
बहुत पसंद है मुझे। आई मेरा यूट्यूब पे 100K हो गए यार, बड़ी मेहनत लगी थी इसमें, 2 साल से चल रहा है, 2-2.5 साल हो गए अब जाके हुए हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा इमोशनल सा फील हो रहा है। बड़ी मेहनत की है यार एक्चुअली। उसका क्या रीज़न होता है कि आप जब हाउसवाइफ होते हो तो आप जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उससे मुंह नहीं फेर सकते हो, तो उसमें फिर ये टाइम निकालना, ये सब करना, एडिट करना, मुझे मालूम है। मेरे को कई बार रात को सोते सोते 2 बज जाते थे और सुबह में 5-6 बजे ऐसे उठती होती थी। सो अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से हुआ, प्लीज सपोर्ट करते रहा कीजिए। कौन आया? कौन आया? नमस्ते। आते ही दुकान में घुस गई चटोरी। क्या देख रही, के ड्रामा? शर्म आती है? वीडियो देखे, यूट्यूबर्स की वीडियो देखना जहाँ वो बताते हैं कोरियन हमें इंडियंस को कितने रिस्पेक्ट देते हैं, और पूरे इंडिया में बुखार हो रखा कोरिया का, है ना। और एक चवला डोगरी बोलन जे ना शर्म आती है, तो हिंदी बोलते ने। के ड्रामा सीखना इन्होंने कोरियन भाषा, तड़ी ऐसी दी तैसी सारे दी। चलो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो मंदिर में अनग्य, चलो इधर खुश करो, अंदर भी डोर खोलो धीरे से धीरे से। यस गुड बॉय। नमो शिवाय। मैंने ओडोमॉस लगाई है तो मच्छर नहीं लड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। पीछे का व्यू दिख रहा है? पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो देखो दूर दूर तक घर हैं, पहाड़ियों पे घर दिख रहे होंगे आपको, तो ऐसे ही हैं। इसलिए मैं थोड़ा छत पे कम आती हूँ रात के टाइम, पर जो हमारे पीछे वाले घर हैं ना वो सब लोग बाहर ही बैठे हुए हैं, तो शायद लाइट नहीं है, शायद उसकी वजह से, पता नहीं। तो वो बाहर बैठे हुए सब लोग, हवा थोड़ी थोड़ी ठंडी चल रही है, तो मैं क्या थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं और साथ में सपोर्ट भी है। आज खाने में है कड़ी, करेले, ये मम्मी के लिए, क्योंकि वो शुगर वाले हैं ना, तो वो छिलके नहीं उतारते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, सॉटे करके हल्का सा नमक डालते हैं, ये उन्होंने खुद ही बनाए हुए हैं। और साथ में है आलू की सब्जी, क्योंकि अनग के करेले नहीं खाएगा, कड़ी का पता नहीं वो खाएगा नहीं खाएगा। साथ में है चपाती इसमें है, और ये है चावल। सारे कुनी कुनी खानी रोटी पुजिए साडे घर, अपनी मम्मा को बोलो ना तो वो सुनेंगे। मम्मा किसी की नहीं सुनती। मम्मी सबकी सुन के चुप कर जाती है ना, वो सबकी सुनती है, बोलती नहीं। वो सिर्फ अपनी अपनी अम्मा से लड़ती है। नहीं वो तेरे से लड़ती है या अपनी अम्मा से लड़ती है? नहीं नहीं दीदी किसी से नहीं लड़ेगी, जा लड़ेगी अत्तू से या फिर अपनी मम्मी से। हाँ अपनी मम्मी से। हाँ आलस क्या, देखो थोड़ा सा बूजी देरी को ना सफाई का बड़ा शौक है, सफाई वो निपटा देती है। क्या बोलते, कपड़े का तू कर दिया कर, है ना, कपड़ा तू धो दिया कर, तेरी तू ज्यादा अच्छे से धोएगी अपनी मम्मी से। तेरी मम्मी सारे कपड़े मिक्स कर देती है, रंग रुंग लगा देती है, इसलिए बोलती कि तू फिर तू झाड़ू पोछा लगा ले अगर बूजी कपड़े धो लेगी। झाड़ू पोछा तेरा हो गया, फिर खाना तेरी मम्मी बना देगी और तो बंद तेरी बूजी होगी। बस काम निपट गया। और त्विशी वो हुला 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 करने के लिए तो इसकी बूजी अच्छे कपड़े धोती है, इसकी मम्मी बहुत बुरी धोती है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।